रहीम, आज हमारे किचन में बन रहा है वाइट सॉस पास्ता। उसके लिए मैंने चिकन का एक पीस ले लिया था, उसको मैंने देखे इस शेप में काट लिया था। इसी शेप में ही मैंने वेजिटेबल भी काटी थी। उसके लिए मैंने अदरक लहसुन का एक चम्मच डाल ली, उसके अंदर काली मिर्च एक चम्मच, सिरका 1 से 2 चम्मच, नमक आधा चम्मच। इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर आप प्लेट दे के या कुछ भी दे के इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें तकरीबन 10 मिनट। ये 400 ग्राम वाला मैंने पैकेट लिया था पास्ता का शेल शेप में। इसमें 2 से 3 चम्मच मैं ऑयल के डालूंगी ताकि आपस में चिपके नहीं। इसको तकरीबन 90% मैंने इसको बॉयल करना है। उसके बाद आप स्ट्रेनर में इसको छान के इसके ऊपर ठंडे पानी से इसको धो लें आप। एक चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। वाइट सॉस बनाने के लिए ये देखें तकरीबन 2 से 3 चम्मच बटर के ले लें आप। जब बटर हमारा मेल्ट हो जाए ये बटर तकरीबन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक छोटा कप मैदे का ऐड करूँगी। ये देखें एक छोटा कप वो मैंने मैदे का डाल दिया है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम इस पे भी आपने बिल्कुल ऐसा रखनी है ताकि ये जले नहीं। देखें बिल्कुल हल्की फ्लेम में पका रही हूँ। ये देखें तकरीबन बटर और मैदा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कप जितना दूध डालूँगी। ये देखें दूध भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको आप इस तरीके से पकाते रहें ताकि इसके अंदर कोई लम्स कोई गुठली किसी किस्म की ना बने। ये देखें मैंने तकरीबन 1 कप जितना इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। इसको भी आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम बिल्कुल आपने ऐसा रखनी है। अगर आपकी फ्लेम तेज़ होगी तो ये सब चीज़ें जल जाएंगी। या बिल्कुल लाइट फ्लेम पे पकाने। काली मिर्च 1 स्पून, नमक आधा चम्मच, बीटर की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त। देखें जिस शेप में मैंने चिकन लिया था उसी शेप में ही मैं वेजिटेबल काट रही हूँ। मैं इसमें गाजर और शिमला मिर्च बस डालूँगी। गाजर, शिमला मिर्च और चिकन। देखें सब्जियों को भी मैंने उसी शेप में काट लिया है। ये तकरीबन हमारी सब्जियाँ कट चुकी हैं। देखें ये भी उसी शेप में है जिस शेप में चिकन था। अब हम बनाते हैं पास्ता। चिकन को मैंने इसके अंदर डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। इसको बिल्कुल आपने ऐसे पकाना कि इसकी शक्ल बिल्कुल वाइट वाइट रहे और ये अच्छे तरीके से कुक भी हो जाए और इसकी शक्ल भी चेंज ना हो। देखें चिकन तकरीबन हम पका रहे हैं। इसको आपने तब तक पकाते रहना है इसकी शक्ल बिल्कुल वाइट वाइट रहे। अब मैं इसके अंदर सब्जियां डाल रही हूँ। सब्जियों को भी आपने ओवर कुक नहीं करना। तीन से चार मिनट इसे बस मिक्स करना है बस। मैंने अब इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च, 1 स्पून सिरका इन्हें मिक्स कर लें। शक्ल बहुत ही प्यारी लग रही है। अब मैंने इसके अंदर सॉस डाल दिया। सॉस को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करें।
देखिए सॉस हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पास्ता जो हमने बॉईल करके रख दिया था, अब किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, मैंने इस शेप का लिया है। देखें तकरीबन हमारा पास्ता तैयार है, वाइट सॉस पास्ता बहुत ही मज़ेदार पास्ता तैयार हो चुका है हमारा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें।